नमस्कार सर नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका सुरेंद्र कुमार जी सर कहाँ से आए हैं आप भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली 28 फरवरी 2005 को सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे गुरुद्वारे में जाता थे माता की पूजा करते थे 21 दिन तक व्रत रखते थे जगराते पे जाते थे सर आपने बताया आप माता के जगराते करते थे ब्रह्मा विष्णु शिव जी की पूजा करते थे और गुरुद्वारे में भी जाते थे तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले इनसे हमें कोई लाभ नहीं मिले हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते रहे इनसे हमें कोई लाभ नहीं हुआ फिर जब बीमार हुआ तो तब इनके दरबार में गए तो कोई लाभ नहीं मिला ना मिलने के बाद फिर तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे इलाज भी नहीं हुआ तो फिर घर पे थक के बैठ गए कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा उसके बाद जयपुर भी दिखाया उसमें कोई इलाज नहीं हुआ उसके बाद जड़ झाड़े झपट्टे करवाए कई जगह घूमे लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ उसके बाद डॉक्टर ने कैंसर घोषित कर दिया और कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है इसे घर पे ले जाओ सर आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ ये भक्ति साधना करते करते आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई आपने ओपी जिंदल हॉस्पिटल में इलाज कराया जयपुर कराया कई जगह इलाज कराया लेकिन डॉक्टर ने आपको मना कर दिया कि आपकी जिंदगी अब ज्यादा नहीं है आपको घर ले जाया जाए फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली एक रिश्तेदार हमारा भगत जी हैं तो जब मैं घर पे बीमार पड़ा था वो उसने आके बताया एक संत आए हैं आप उनकी शरण में आओ और उनके लाभ होगा आपको मैंने कह दिया मैं तो बहुत मोडों के पास जा चुका हूँ सब संतों के पास जा चुका हूँ किसी के पास कोई इलाज नहीं है मैं थक के बैठ गया लेकिन कुछ नहीं लेकिन इसने परमात्मा कोई को नई बाणी सुनाई और मैं बीमार पड़ा था उठ के बैठ गया मैंने बताया ये कहाँ है फिर उन्होंने बताया जी कुरोथा आश्रम में है वहाँ चलो तो मैंने उसके डेट पूछी बोले फरवरी में है बाईस तेईस को वहाँ चलेंगे फिर मैं उसके साथ गया वहाँ पे मैं घर पे सिर्फ एक रोटी खाता था या दूध पीता था या आइसक्रीम खाता था और मुझको कुछ नहीं खाया जाता उसके बाद मैं जब आश्रम में गया मैंने नाम नहीं लिया था दो तीन तीन तक सत्संग सुनता रहा फिर वहाँ पे मैं दिन में तीन बार भोजन करता था तीन बार भोजन करने के बाद जब सत्संग सुना तो तब मेरी आत्मा कहने लगी ये परमात्मा तो ये हैं सब कुछ निर्वाण कर रहे हैं तो फिर मैं पूछना भगत जी नाम लेना है तो भगत जी बोले ऐसे नाम नहीं मिलता मैं कैसे मिलेगा आखिर इसके नियम बता दो जी क्या मैं सब नियम करने को तैयार हूँ तब एक परषोत्तम भगत जी आए मैं बैठे बैठे रो रहा था आके कहने लगा कि आपने क्यों रो रहे हो मगर भगत जी मैंने नाम लेना है मैं बहुत दुखी हूँ भगत जी बोले चलो नाम दिलाते हैं तब उन्हें फार्म भरा और मेरा नाम ले लिया और गुरु जी की शरण में गया सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले उसके आने के बाद हमारे बच्चे तो पढ़ाई छूट गई थी उसके बाद छोटा सा काम शुरू किया था दिल्ली के अंदर और पैसे भी उधारे उठाए और किसी पार्टी के साथ हिसाब किया तो उसने सारा सामान उठा के भाग गया हमारे पास कुछ नहीं था फिर हम सतगुरु जी के पास आए हर गुरुजी बोले बेटा कोई बात नहीं ले जाने दो उसके भाग्य का है अब फिर दोबारा से काम शुरू कर लो फिर हम चालीस हज़ार की फसल हुई उसी से फिर काम शुरू किया और अपरमात्मा की दया से मौत मौज है दो तीन गाड़ियाँ हैं दुकानें हैं परमात्मा की दया से सब कुछ मौज हो रही है और शरीर से बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ खेती बाड़ी भी करता हूँ और नया ट्रैक्टर है सब कुछ है लेकिन हमारे खेत में पानी भी नहीं आता और फिर भी उससे दुगनी से तिगनी फसल हो रही है कैंसर की बीमारी बिना ऑपरेशन बिना कुछ दवा के संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणाम प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ और दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ मुझे कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार जब मेरा पोता हुआ तो उसको दूध उल्टी आ जाती थी दूध नहीं पचता था उसको हॉस्पिटल उस में लेके गए तो उन्होंने एक्सरे किया उन्होंने कहा कि लीवर बड़ा हुआ है तो इसका ऑपरेशन होगा फिर हम सतगुरु जी महाराज जी के पास प्रार्थना की तो आदेश है परमात्मा बोले कि दोबारा एक्सरे करा लो परमात्मा दया करेंगे जब दोबारा एक्सरे करवाया तो वो ठीक आया फिर डॉक्टर को दिखाया तो दोनों एक्सरे देख रहा था बोले ये एक्सरे और ये एक्सरे में कितना अंतर है क्या हुआ तो वो एक्सरे देख के तो ये तो और ही कोई चमत्कार है और उसको दवाई दे दी और परमात्मा ने दया कर दी ठीक हो गई सर जैसा कि आपने बताया कि आपको कैंसर था फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो जो आपकी जिंदगी डॉक्टर ने कुछ ही दिन बता रखी थी वो संत रामपाल जी महाराज ने बढ़ा दी मतलब कि आपके कैंसर की बीमारी ठीक हो गई और आज तक आप स्वस्थ हैं आपकी पहले आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी संत रामपाल जी महाराज ने आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक की आज आपके पास तीन चार गाड़ियां हैं आपका ट्रैक्टर भी है आपके फसल भी सबसे अच्छी होती है और जो आपके पोते का गुर्दा बड़ा हुआ था वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हो गया संत रामपाल जी महाराज ने आपका घर खुशियों से भर दिया तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं और वो कैंसर के मरीज आए तो वो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दिशा लेने से ठीक हो सकते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उनसे प्रार्थना है कि जो भी बीमार है किसी का कोई रोग है तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना इलाज कराएँ ये सब ठीक हो जाता है सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं टीवी पे पांच सात चैनल चल रहे हैं उसके नीचे एक पट्टी आती है उसके ऊपर फोन नंबर ऐड है वो फोन नंबर मिलाइए और संपर्क करके जहाँ भी नामदान सेंटर है वहाँ जाके अपने नामदान प्राप्त करिए और भक्ति करके कल्याण करवाएं धन्यवाद सर सत साहे